नमस्कार दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। भूगोल के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नृत्य शैली के बारे में, भारतीय नृत्य शैली के बारे में जिससे प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। जैसे हम बात करें कि कोई भी प्रसिद्ध नृत्य जो है कौन से राज्य विशेष से संबंधित है, ये प्रश्न ज़्यादातर हमको सामान्य तौर पर देखने को मिलता है हर एक वनडे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए तो आज ये टॉपिक हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, भारतीय नृत्य शैली, कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इससे आम तौर पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। भारतीय नृत्य शैली को दो भागों में विभाजित करते हुए हम बात कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा जो भाग है वो है लोक नृत्य। ठीक है, नृत्य शैली को दो भागों में विभाजित करके पहला जो है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा जो है वो है लोक नृत्य। ध्यान से देखिए, पहले शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? ऐसे नृत्य जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित हैं। ऐसे नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहे जाएंगे जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, ठीक, उन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहेंगे। और लोक नृत्य किसे कहेंगे? ऐसे नृत्य जो किसी क्षेत्रीय या स्थानीय तौर पर प्रचलित हो, मतलब किसी राज्य विशेष के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से क्षेत्र या स्थान में लोगों के बीच प्रसिद्ध नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसे एक और नाम दिया जा सकता है, क्या? स्थानीय नृत्य। ठीक, तो दो भागों में विभाजित कर लिया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जितने भी नृत्यों का वर्णन है शास्त्रीय नृत्य कहलाए जाएंगे। किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध नृत्य को लोक नृत्य कहा जाएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, तो देखते जाते हैं। पहला जो राज्य है वो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे, भरतनाट्यम। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। दूसरा देखें, आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में कौन सा? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। केरल का कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। ज़्यादातर प्रश्न हमको वर्तमान में या मोहिनी अट्टम से देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे परीक्षाओं में। ठीक है, तो यह प्रश्न आ चुका है बहुत बार, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। कर्नाटक से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्य है वो है यक्षगान, याद करते चलिए। उड़ीसा से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है कथक। और असम से प्रसिद्ध प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। एक बार फिर से याद करने की कोशिश करेंगे, कौन से राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल का कथकली मोहिनीअट्टम, कर्नाटक का यक्षगान, ओडिशा का ओडिसी, उत्तर प्रदेश का कथक, असम का सत्रिय। ठीक है, यह विभिन्न राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोक नृत्य के बारे में कि कौन से राज्य से कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, जो एकदम से कॉमन तो नहीं है लेकिन प्रश्न इससे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले असम से संबंधित है बिहू। देखिए, अब ये हमने सुना होगा बिहू के बारे में कि वो असम राज्य का नृत्य है, लेकिन बिहू जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है, ध्यान रखें। तो असम से संबंधित लोक नृत्य है बिहू और बम्बू। ओडिशा से संबंधित लोक नृत्य है घूमरा। घूमरा राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य है घूमर। अब देखिए अंतर, घूमरा जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है और घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। लोक नृत्य को एक और तौर पे परिभाषित इस प्रकार किया जाता है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति विशेष, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति विशेष के बीच में जो प्रसिद्ध नृत्य होता है उसे लोक नृत्य भी कहा जा सकता है। एक और डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। तो यह नृत्य वह सारे नृत्य है जो क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध होने के साथ साथ किसी जनजाति विशेष से भी संबंधित हो सकते हैं। क्लियर है? तो उड़ीसा से संबंधित जो नृत्य है, स्थानीय नृत्य है या लोक नृत्य है, वो है घूमरा, और राजस्थान से संबंधित है घूमर। ठीक, साथ ही साथ राजस्थान से संबंधित एक और लोक नृत्य है गणगौर और एक काल बेलिया। तीनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। गणगौर जो है राजस्थानी लोग का त्यौहार भी है। ठीक है, गणगौर। अब ये देखो क्या लिखा है,
अरुणाचल प्रदेश है ये, आंध्र प्रदेश नहीं है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आसपास है राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है मुखौटा, ये जिसे मैं मार करते जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड के जनजाति विशेष द्वारा या इस क्षेत्र में लोक नृत्य के तौर पे जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है मुखौटा, ठीक। और एक और नृत्य के तौर पे आप याद रख सकते हैं युद्ध नृत्य। महाराष्ट्र में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है तमाशा, तमाशा याद करते चलिए, महाराष्ट्र से संबंधित लोक नृत्य तमाशा। पंजाब से संबंधित लोक नृत्य आप जानते हैं भांगड़ा, जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा, और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य को कहते हैं गिद्धा, ठीक है गिद्धा। तो इस प्रकार से गिद्धा, भांगड़ा तो हर कोई जानता है, गिद्धा जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये विशेष बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। गिद्धा पंजाब से संबंधित लोक नृत्य। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से दो लोक नृत्य आपको याद रखना है, एक जद्दा और एक छपेली, जद्दा छपेली हिमाचल प्रदेश। जम्मू से संबंधित लोक नृत्य आपको याद रखना है रऊफ। उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको एक लोक नृत्य जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो याद रखना है नौटंकी और रासलीला, नौटंकी और रासलीला यह लोक नृत्य के प्रकार हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश में नौटंकी रासलीला। तमाशा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तमाशा महाराष्ट्र में, नौटंकी उत्तर प्रदेश में, ठीक, साथ साथ रासलीला उत्तर प्रदेश में। बिहार का लोक नृत्य है विदेशिया, विदेशिया, ठीक। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत लोक नृत्य काठी, बाउल और कीर्तन, कीर्तन प्रमुख है ध्यान रखेंगे। केरल के अंतर्गत आने वाला कोट्टकल्लम और कुट्टी ओट्टम, कोट्टकल्लम कुट्टी ओट्टम समझ में आ जाएगा, केरल से है, ठीक है। गोवा से संबंधित लोक नृत्य है तरंग, तरंग। तो ये हो गए लोक नृत्य संबंधित राज्यों से। तो दो प्रकार मैंने आपको बता दिए लोक नृत्य, जो भी नृत्य है नृत्य शैली के, एक हो गई शास्त्रीय नृत्य जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, और एक है स्थानीय भाषा में प्रचलित लोक नृत्य। जितने भी मैंने नृत्य बताए हैं चाहे वो लोक नृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य हो, उससे संबंधित राज्य आपको याद करने ही हैं। याद करने में मुश्किल से समय लगेगा 10 मिनट का, और एक प्रश्न आपके इससे बन जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।